मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में खेत में खुदाई के दौरान लगभग 4000 साल पुराने हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण के कालयानी द्वापर युग का बताया जा रहा है। द्वापर युग कालीन हथियार मिलने की सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुरातत्व की टीम भी मौके पर बुलाई गई और पुरातत्व की टीम ने रिसर्च के बाद यह पाया कि खेत से मिले हथियार 4000 साल पुराने हैं। जनपद मैनपुरी के करावली क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर निवासी पुष्पेंद्र सिंह अपने खेत को समतल कर रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर से जुताई करा रहे थे, इसी दौरान उन्हें खेत से कुछ हथियार मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। पुष्पेंद्र सिंह ने जमीन से मिले हथियारों को सोने और चांदी को समझकर घर पर रख लिया, लेकिन खेत पर मिलने हथियारों की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। तो यहाँ ग्राम गणेशपुर लगता है, उसमें जो है 10 तारीख को खेत समतल कर रहे थे। पुष्पेंद्र के पिताजी का खेत था, तो उसमें कुछ हथियार नुमा चीज़ें मिली थी। जैसे ही 11 तारीख को मुझे पता चला तो मैं खुद वहाँ गया और वहाँ जितनी चीज़ें उनके पास थी उनको ला के, वो 39 थे, उनको थाने में जमा करा दिया गया था। वहाँ से पुरातत्व विभाग को सूचना देने पर उन द्वारा वो ले लिए गए हैं और गाँव में भी जो और भी मिले वो सब ले जाकर उन्होंने उसके विश्लेषण कर लिया है। और जैसा मुझे बताया गया है उन द्वारा बताया गया ये लगभग 4000 वर्ष पुराने हथियार हैं। कितनी संख्या रही होगी सर हथियारों की? 39 तो उस दिन 11 तारीख को मैं लेके आया था और उसके बाद कुछ पुलिस ने जो है ना इकट्ठे किए थे, तो लगभग वो 70 के करीब। और छानबीन चल रही है? नहीं, जो छानबीन पुरातत्व विभाग ने करनी थी वो कर ली। कुछ वहाँ मिट्टी के बर्तन वर्तन जो भी टुकड़े टुकड़े मिले थे उनको वो ले गए हैं। और आज मेरे उनसे फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये लगभग 1800 BC पुराने हैं। और बच्चे बच्चे की बात नहीं, वो हमारी जानकारी में नहीं आया। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत शरीफ। अच्छा, ये जो गणेशपुरा में खुदाई के दौरान कुछ सामान मिला है, क्या है ये सामान? ये पुरातत्व काल में जो लड़ाइयाँ होती रही उसके यूज़ करने का सामान, जैसे भाला है, तीर है, ऐसे कुछ मतलब नुकीले सामान है। तो ये प्राप्त कैसे हुआ है? ये खुदाई के दौरान, ये मतलब खेत को प्लान कराया जा रहा था उसकी खुदाई के दौरान ये सामान मिला है। अच्छा, तो कितना होगा इसका वजन, कितना होगा सामान? 40-45 के आसपास होगा किलो। तो ये कब का मामला है? ये कल का मामला है, कल यानी 10 तारीख। अच्छा, प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है? हाँ, दे दी गई है। तो इस मौके पे SDM साहब भी आए हुए, तो क्या कह रहे हैं SDM साहब? वो उन्होंने देखा, ये बताया कि ये मतलब जो पुराने समय में जो लड़ाइयाँ होती रही उनकी मतलब ये भाला या तीर ऐसे ही जो सामान है ये। और अच्छा, ये किसका है ये तो जांच के बाद ही, मतलब अष्ट धातु का है या किस धातु का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, ये ज़मीन किसकी है? ये जमीन है बहादुर सिंह फौजी, उनकी है जमीन। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।